अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एल्काइल एड या एलोएल्किन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने तीन मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला आता है एसएन रिएक्शन, दूसरा आता है तुम्हारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को स्पेशली आप बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, या फिर इसे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है मिसलेनियस रिएक्शन की। तो मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर दो कैटेगरी आ गई, रिडक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। पहली रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन विद मेटल। तो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एसएन रिएक्शन की। तो एसएन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप हटेगा उसकी जगह दूसरा लगेगा। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है भाई, एक ग्रुप हटेगा उसकी जगह दूसरा लगेगा। तो हटने वाला वीक होना चाहिए और लगने वाला स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। अच्छे से याद रखनी है ये बात, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, सही है। सबसे आसानी से लीव होने वाला जो ग्रुप होता है वो होता है आई, उसके बाद डी आर, फिर सी एल और सबसे देर में एफ। तो जो आई नेगेटिव है ना, इसको हम बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप बड़ी आसानी से छोड़ देगा एल्काइल का साथ, सही है। तो जो छोड़ेगा तभी तो हटेगा, हटेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। बता भाई अभी समझ में। तो इस रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करते हैं, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे देर में फ्लोराइड। आयोडाइड क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करेंगे, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। सभी तरह के एसएन के लिए, एसएन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, चाहे एसएन वन करा लो चाहे एसएन टू करा लो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करेगा, फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड आफ्टर दैट फ्लोराइड, व्हाट इट। अब एसएन की दो कैटेगरी होती है, पहली एसएन वन और एसएन टू, सही है। अब इसको मैं बाय कॉलम इसे समझाता हूँ, तुरंत आ जाएगी बात समझ में, एसएन वन क्या चीज है और एसएन टू क्या चीज है। देखो